हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही, आपकी मैथ की जर्नी चल रही है और ये आपकी एडवांस मैथ की जर्नी है। और इस जर्नी में हमने ज्योमेट्री पोर्शन को स्टार्टिंग की थी, ज्योमेट्री पोर्शन की। और ऑलरेडी आपकी 3 क्लासेस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लेलिस्ट में। तो ये आपकी लास्ट क्लास है पॉइंट लाइंस एंड एंगल की। पॉइंट लाइंस एंड एंगल की आपकी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको शुरू होगा ट्रायंगल। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है कि ये डायरेक्ट यहाँ पे इस फोर्थ वाली क्लास में आया है, तो ऐसी गलती ना करें। आपको सीरियल से सारी क्लासेस देखनी है, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। बस बेटा, आप लोगों का साथ चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को शेयर जरूर करना ना भूलें, ठीक है। तो एडवांस मैथ की स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस ज्योमेट्री में पॉइंट लाइंस एंड एंगल की ये लास्ट क्लास है। बिंदु रेखा और कोण, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हमने। हाँ, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और अच्छे तरीके से सभी को प्रूफ के साथ। कुछ आपने ट्रिक भी सीखी और एग्जांपल भी किए। फाइनली एक्सरसाइज पर पहुंच गए आप। जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा, उसको यूटिलाइज तो भी करना भी आना चाहिए बेटा ना। हाँ, पढ़ तो सभी लिया। अब आप फाइनली कहाँ पहुँचे, एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन आपने कर भी लिए थे। तो फाइनली आज कहाँ से स्टार्टिंग होगी। मैं एरो कंसेप्ट भी पढ़ लिया था, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री निकालना भी पढ़ लिया था। हाँ, 11 नंबर, और ये 11 नंबर हमने आपको होमवर्क में भी दिया था। तो जिस जिसने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो आंसर कमेंट में दे। अगर किसी बच्चे को सॉल्व करना नहीं आया या समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा ही। तो ये आपकी पॉइंट लाइंस एंड एंगल की लास्ट क्लास है बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपका गिवन फिगर क्यू एस रेखा इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू एस रेखा आपकी ये का राइट एंगल ट्रेंगल है पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल में एक कोण बेटा आपका 90 का फिक्स होता है। आप बोलेंगे करेक्ट है। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, देखिए कंडीशन दी गई है, जो आपकी क्यू एस रेखा क्यू टी रेखा के बराबर है। ये आपकी क्यू एस रेखा है जो क्यू टी रेखा के बराबर है। इसके बाद एंड आर यू रेखा आर टी रेखा के बराबर है। आर यू रेखा आयु रेखा आर टी रेखा के बराबर है। कलर चेंज कर लेते हैं। आर यू रेखा जो है बेटा आपकी आर टी रेखा के बराबर है। इसके बाद एंगल एंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर, इस पी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 36 डिग्री। देखिए ना, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू 36 डिग्री। फाइंड करना है आपको एंगल एस टी यू, एंगल एस टी यू, इस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करेक्ट। कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी बातों का ध्यान देना है आपको। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले दो कंसेप्ट आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी आपका एक ट्रायंगल है, कोई भी अगर आपका ट्रायंगल है, तो अगर कोई भी दो साइड आपकी इक्वल हैं, तो इसके सामने बना कोण भी आपका इक्वल होगा। तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये साइड के सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये मतलब कन्वर्स इसका ट्रू होता है। अगर एंगल इक्वल है तो इनके सामने साइड इक्वल होगी, अगर साइड इक्वल है तो इनके सामने बना गया एंगल भी आपका कोण इक्वल होगा। ये बात अच्छे तरीके से आप जानते हैं। और सेकेंड बात और आपकी, जो एक ट्रायंगल है, इनके तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री, करेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ के माध्यम से आपको बताया था हमने, और आप इससे फैमिलियर हो चुके हैं। चलिए अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले आप देखिए, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में आइए आप। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप आएंगे, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सभी कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो आपका फिक्स होता है 90 का, और बाकी बचे तो कोण होते हैं, उसका योग कितना होता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री। आप बोलेंगे 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में 90 ये हो गया,
36 ये हो गया, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा, इस एंगल की वैल्यू निकल आएगी आपकी 54 डिग्री, 45 डिग्री, करेक्ट, 54 डिग्री, 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट का यूज कीजिए, बोलेंगे क्या, वही तो बताने जा रहा हूँ मैं। अब आप इस वाले एंगल पे आइए, इस वाले एंगल पे, और देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस वाले एंगल की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी है, 54 डिग्री। हाँ, और देखिए ये दोनों साइड इक्वल है ना, बेसिक से बता देते हैं एकदम अच्छे से, घबराना नहीं, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने बना गया कोण भी आपका इक्वल होगा। तो इस सामने, इस साइड के सामने आपका ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, इस सामने साइड का ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, करेक्ट, साइड इक्वल है तो इनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं बिल्कुल, आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिए, देखिए अल्फा प्लस अल्फा इजिक प्लस 54, और त्रिभुज को तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 63 डिग्री, कितनी अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 63 डिग्री। अब जब आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, इस वाले को, और देखिए यहाँ पे इस वाले एंगल पे आइए आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर इसमें एक एंगल आपका 90 है, और देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है, तो इसके सामने का कोण भी आपका इक्वल होगा, करेक्ट। तो देखिए ये 90 है तो बाकी दो कोण इक्वल होंगे क्योंकि इनके साइड भी इक्वल है, तो ये 45 हो जाएगा आपका, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, करेक्ट, कितना 45 डिग्री। अब देखिए आप सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए 45 प्लस 45 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बेटा 180 डिग्री से क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा पे सभी हैं कोण, और इस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे 45 प्लस थीटा की वैल्यू एजिटी रखिए, क्योंकि थीटा ये आपको फाइंड करना है, और अल्फा कितना बेटा आपका ये 63, अल्फा आपका 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा को आप एजिटी रखिए आप 180 डिग्री, और बेटा इन दोनों को आप उधर लेके जाइए और इनसे आपको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 108 डिग्री। तो अल्फा की, सॉरी थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी कितनी 72 डिग्री, बात समझ में आई, कितनी थीटा की वैल्यू निकली आपकी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर से रिपीट कर दें क्या था, ये देखिए एस क्यू रेखा क्यूटी रेखा के इक्वल थी, सबसे पहले कंडीशन आपको दी गई थी, इसके बाद क्या किया, क्या और कहा था, यू आर रेखा आपकी आर टी रेखा के इक्वल में है, इसके बाद ये एंगल आपका 90 था गिवन था, ये भी पी एंगल पी की वैल्यू आपको गिवन थी, फिर आपने क्या किया इस पूरे एंगल पे आए बड़े वाले एंगल पे, और एक एंगल का जो पूरा सम होता है अंदर के जो सभी कोणों का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, 90 ये है 360 ये है, हाँ, तो बचा हुआ एक कोण का मान कैसे निकालेंगे आप, 180 से जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री, 54 डिग्री। इसके बाद आपने क्या किया इस वाले एंगल पे आए, और इस वाले एंगल पे ये आपका 54 डिग्री पहले से निकला पड़ा है, तो फिर उसके बाद ये कंडीशन दी गई ना, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, और जब साइड इक्वल हैं तो इनके सामने का बना गया कोण भी इक्वल होगा, या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, या एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होगी, करेक्ट, एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड भी आपकी इक्वल होंगी, तो इसको अल्फा माना, इसको अल्फा माना, यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली कितनी आई 63 डिग्री। इसके बाद इस वाले एंगल पे आए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 है, फिर उसके बाद देखो ये रेखा आपकी इक्वल है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, करेक्ट, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फिर आप आए सीधी रेखा पे,
और सीधी रेखा पे सभी बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 72 डिग्री, करेक्ट। थीटा की वैल्यू आपकी आपकी 72 डिग्री। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको अभी सॉल्व करते हैं। 12 नंबर, गिवन फिगर आपका एंगल ई बी सी, देखिए कहाँ है एंगल ई बी सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 25 डिग्री। इसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल बी ए सी 35 डिग्री। इसके बाद एंड एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये अभी तक आपको डेटा गिवन था, फाइंड क्या करना है आपको, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। इस पूरे एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके बाद और क्या, प्लस प्लस एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इस एंगल की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। इसके बाद एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इस एंगल की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, बस जितना कुछ पढ़ा है उसी का आपको यूटिलाइज करना है। अब देखिए आपको पी ए डी इन तीनों वैल्यू को आपको सम आपका निकालना है, इन तीनों वैल्यू का आपको सम निकालना है। देखिए अगर इस एंगल को हम मान ले, इस एंगल को मान ले अल्फा और इस एंगल को मान ले आप बीटा, कोई दिक्कत हाँ, तो आप यहाँ से इन दोनों की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक एंगल के सभी कोणों का जो बेटा योग होता है कितना होता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 80 हाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 100 डिग्री, जो कि आपकी 100% राइट है। तो यहाँ से देखिए आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के तरीके पढ़ना करना ही नहीं पड़ा। एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इसके बाद प्लस एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इन दोनों की जो वैल्यू निकली कितनी आ गई, इन दोनों की वैल्यू आपकी आ गई 100, करेक्ट। इसके बाद आपको केवल इस वैल्यू को निकालना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे इस वाले एंगल पे आइए, इस वाले एंगल पे, और त्रिभुज के दो कोणों का जो बेटा योग होता है बाहरी वाले कोण के बराबर होता है, तो इसको माना हमने थीटा, थीटा प्लस 35, थीटा प्लस 35 इक्वल टू 80, थीटा प्लस 35 इज इक्वल टू 80, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, करेक्ट। चलिए तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कितनी निकाल पाएंगे, थीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी बिल्कुल आराम से प्यारे तरीके से निकल आएगी, कितनी 45 डिग्री। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री, और इसी बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए और सबको सम कर दीजिए, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस बीटा हाँ, अब आप सबकी वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, आपकी सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, पूरे एंगल बी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, केवल थीटा नहीं ये पूरा एंगल, तो क्या है थीटा प्लस, थीटा प्लस 25, और उन दोनों एंगल का मान कितना है प्लस, उन दोनों एंगल का मान कितना है आपका 100 डिग्री, करेक्ट। देखिए थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 25 प्लस 100, 45 प्लस 25 प्लस 100, जब आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 170 डिग्री, 170 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइपिस्ट मिस्टेक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए फिर से रिपीट कर लेना क्वेश्चन अगर कहीं भी डाउट हो।
अब फाइनली पहुंचे 13 नंबर पे, और 13 नंबर क्वेश्चन करने से पहले फिर से आपको बेसिक जानने की जरूरत पड़ी है जिस क्वेश्चन में, हाँ मतलब कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी सब कुछ आपको बताएंगे जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है इज इक्वल टू 180, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है डिग्री के फॉर्म में, 180 डिग्री, करेक्ट। अब चलिए तो यहाँ से आप बताइए एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, करेक्ट। तो एक डिग्री का आप मान निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या पाई अपॉन 180, करेक्ट। और एक बेसिक चीज आप बताइए मुझे यहाँ पे, और एक बेसिक चीज आप बताइए, आपको पता हो या ना पता हो फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम सीख रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी को सिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप बताइए, एक घंटा जो होता है, एक हावर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, करेक्ट। एक घंटा बराबर 60 मिनट, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। फिर एक सेकेंड बराबर क्या होगा, एक सेकेंड बराबर क्या होगा बताइए, एक सेकेंड बराबर 100 मिली सेकेंड, एक सेकेंड बराबर 100 मिली सेकेंड। अब जब आप स्टॉप वॉच देखते हैं ना, जब आप स्टॉप वॉच देखते हैं जो जल्दी नंबर ब्लिंक करते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, मिली सेकेंड। तो एक सेकेंड में 100 मिली सेकेंड होते हैं, करेक्ट। चलिए ये कुछ आपके बेटा बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ, हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके डाउट क्लियर करेंगे। एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, यहाँ पे आप बताइए आप मुझे कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, किसमें, रेडियन में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, जब कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे समझना, जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से डिवाइड करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, इसका उल्टा, जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब आपको 180 बटा पाई से करते हैं। हम आपको अभी जस्ट लिखवा देंगे, यहाँ पे जस्ट लिख लो इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख लो अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, जब आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब आपको 60 में इंटू कराना है पाई अपॉन 180 का, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा कन्वर्स। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तब आपको इसी 60, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 180 अपॉन पाई, जस्ट इसका उल्टा, 180 को पहले लिखेंगे, पाई को नीचे। मैंने क्या कहा, फिर से आप देखिए, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आपका कुछ बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री। सबसे पहले देखिए, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको 90 से माइनस करिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं ना। तो 90 माइनस 70 कितना आया, डिग्री के फॉर्म में अभी तो आया ना, कितना 20 डिग्री। पर देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके डिग्री के फॉर्म में ना ऑप्शन देके रेडियन के फॉर्म में दिया है, वो चाहता है कि आप रेडियन के फॉर्म में आप मुझे आंसर दीजिए, रेडियन के फॉर्म में आप आंसर दीजिए। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एक डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, करेक्ट, पाई अपॉन 180। तब आप यहाँ से पैर तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, 20 डिग्री बराबर अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तब आपको इसको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब देखिए आप पैर तरीके से यहाँ से आंसर निकाल से, 0 से 0 ख़त्म, ये कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में। तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 9 रेडियन के फॉर्म में, पाई अपॉन 9 रेडियन के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट है। और मैं यहाँ पे आपको क्लू वर्ड लिखा दे रहा हूँ बेटा, क्या एक क्लू वर्ड और लिखा दे रहा हूँ, क्या समझिए आप अच्छे से, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब अगर कहीं भी आपको पाई अपॉन 2 लिखा मिल जाए तो इज इक्वल टू डिग्री के फॉर्म में क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होगी 180, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो सॉल्व करिए ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 2, जब आप इसको हाफ करेंगे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट। तो पाई अपॉन 2 की वैल्यू इज इक्वल टू डिग्री के फॉर्म में क्या होगी 90 डिग्री। और कहीं भी आपको लिखा मिल गया पाई अपॉन 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, करेक्ट। कहीं भी आपको लिखा दिख जाए पाई अपॉन 4 तो इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट, इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहीं लिखा आपको मिल जाए पाई अपॉन 6 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। ये कुछ आपके बेसिक चीज थी जो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या ये था, और अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लिया, पहले हमने डिग्री के फॉर्म में आंसर निकाला, अब आपको एग्जामिनर चाहता है कि नहीं डिग्री के फॉर्म में आंसर ना देके आप मुझे रेडियन के फॉर्म में दीजिए। जब कभी किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आप कराएंगे, करेक्ट। रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो ये है ना। चलिए यहाँ पे एक बात और मुझे आप मुझे समझाने का मौका दीजिए कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 89 डिग्री 60 मिनट। मिनट को बेटा ऐसे कोई नंबर लिख के ऐसे एक ऊपर से छोटा सा वर्टिकल खींच दे, इसको मिनट का सिंबल डिनोट करता है, कनेक्ट, मतलब मिनट का सिंबल वो डिनोट करेगा, ठीक। चलो अगर मैंने लिख दिया 90 डिग्री बराबर 89 डिग्री 60 मिनट, हाँ देखिए एक डिग्री बराबर जो होता है आपका कितना होता है 60 मिनट, मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं ना, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, करेक्ट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको ऊपर लिखिए आप, एक डिग्री बराबर 60 मिनट है ना, 60 मिनट। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि ये दोनों वैल्यू जो लिखी है हमने दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। देखिए अभी जस्ट आपने ऊपर क्या लिखा, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 89 डिग्री और
89 डिग्री और 60 मिनट, तो दोनों तो हुए तो आपस में बेटा इक्वली करेक्ट। चलिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्यूशन करना है आपको, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट। तो सबसे पहले देखिए इसका आपको पूरा निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये दुनिया के लिए 90 डिग्री होगा, पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री 60 मिनट। अब आप इससे इसको इससे माइनस कर सकते हैं 30 मिनट 30 डिग्री 30 डिग्री 20 मिनट 30 डिग्री 20 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल प्यार तरीके से। देखिए बिल्कुल 60 में से 20 गया तो कितना आया 40 डिग्री 40 मिनट, ये आपका मिनट आएगा। इसके बाद जब आप इसको इससे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री 40 मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर बी 49 डिग्री 40 मिनट। हाँ चलिए एक आपको और ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको अपने तरफ से, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। आपको आपको 40 डिग्री 40 डिग्री और 30 मिनट को का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, 40 डिग्री 30 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 से इसको माइनस करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले 90 से माइनस करेंगे। दुनिया के लिए अब 90 होगी, आप इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं ब्रेक करके, 89 डिग्री 89 डिग्री 60 मिनट 89 डिग्री 60 मिनट। अब आप इसको लेस इससे करिए 40 डिग्री 30 मिनट 40 डिग्री 30 मिनट, इससे आप जब बेटा आप लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा निकल के फाइनली 30 मिनट। हाँ 60 मिनट में से 30 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 मिनट। अब आप इससे इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री 30 मिनट 49 डिग्री 30 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई, ऐसा ही आसान वे में आपको समझना है। फाइनली पहुंचे हम 15 नंबर क्वेश्चन पे, फाइनली पहुंच गए 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे से, हाँ बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक कोई कोण है जो कि अपने ही पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, हाँ 18 डिग्री कम है। इसके बाद एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एंगल की आपको वैल्यू पूछी गई है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, हिंदी मीनिंग हो जाएगी एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, कोण का मान बताइए। ठीक चलिए एक कोई कोण है मान लिया थीटा, ठीक है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से, हाँ अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से, तो मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा करेक्ट। एक कोई कोण है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से 18 डिग्री कम है करेक्ट, 18 डिग्री कम है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से आपको बताया मैंने, देखिए आप इसको सॉल्व करिए 18 डिग्री कम है। एक कोई कोण है वह अपने ही कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है, 18 डिग्री कम है इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करिए आप, देखिए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से देखिए आपके माइनस माइनस टू थीटा और ये उधर जाएगा। अब इसी
इसको इसलिए हम कुछ बताने के लिए इसको उधर भेज रहे हैं। देखिए ये इधर आपका 90 डिग्री है, ये इधर आपका 90 डिग्री है, और राइट हैंड साइड में क्या है 18 डिग्री। इधर जाएगा 90 डिग्री, इधर तो माइनस का हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा माइनस का, ये इधर है लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू, अब 90 में से जब आप बेटा 18 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72। हाँ कितना आ जाएगा 72, वो भी माइनस का। तो देखिए इधर इक्वल का माइनस, इधर इक्वल का माइनस आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको 2 थीटा की वैल्यू नहीं, ओनली एक एंगल की वैल्यू निकालनी है केवल थीटा की। तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो एक एंगल का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक कोई कोण है वो अपने ही कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है। ठीक है, एक एंगल का मान आपसे पूछा गया कितना है, 36 डिग्री। और एक एंगल आपका अगर 36 डिग्री है तो दूसरा एंगल की वैल्यू क्या होगी, आप 90 से माइनस करिए 360 को, दूसरे एंगल की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल पी। एक कोई सप्लीमेंट्री है संपूरक को, क्या है पी, इज कितना है 12a+4 डिग्री, एंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंगल है ऑफ एंगल पी, मेजर कितना है 6a, व्हाट इज एंगल पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एंगल पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हिंदी मीनिंग क्या होगी इसकी, कोण पी का संपूरक, ठीक है पी, 12a+4 डिग्री, और कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोटि पूरक 6a, तो आपसे एंगल पी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। एक कोई कोण है, कौन है पी, हाँ इसी कोण का आपको सप्लीमेंट्री अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसी कोण को अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, चलिए अच्छे से बताइए। किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा, वो कौन है, कोण पी, करेक्ट। किसी भी कोण का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उस कोण को 90 से माइनस करेंगे, करेक्ट। ये बात समझ में आई, किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक, चलिए यहाँ से देखिए आप, सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या दी गई है इज इक्वल टू 12a+4, हाँ तो 12a+4। तो देखिए इस सप्लीमेंट्री की 180 माइनस पी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 12a+4। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री का देखिए आपको क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू दिया गया है 90 माइनस पी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 6a वैल्यू, कितनी दी गई है 6a वैल्यू। अब देखिए दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, माइनस पी है उधर जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 180 में से जब आप 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 73, हाँ और ये प्लस आप इधर ही रखिए इसको, क्या तो देखिए यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों जगह पे क्या पी कॉमन मिल रहा है, दोनों जगह से आपको पी कॉमन मिल रहा है, तो 176 पी दो कॉमन मिल रहा है, तो 176 माइनस 12 हाँ इज इक्वल टू पी, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, और इस वाले कंडीशन से भी आप पी की वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6a, और इज इक्वल टू माइनस का इधर जाएगा तो बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में। अब देखिए यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, हाँ इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए,
इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू इतनी है और यहाँ पे पी की वैल्यू इतनी है, तो दोनों को कंपेयर करा सकते हैं आप, बिल्कुल करा सकते हैं। जब आप इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आपने क्या कहा था, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो देखिए 176 माइनस 12 ए, 176 माइनस 12 ए, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू, यहाँ पे पी की वैल्यू है 90 माइनस 6 ए, 90 माइनस 6 ए। तो देखिए यहाँ से पी की वैल्यू आप निकाल सकते, यहाँ से पी की वैल्यू, दोनों पी की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, तब देखिए यहाँ पे इतना हुआ। इसके बाद आपसे पूछा गया पी की, पी का मान पूछा गया ना, पी का मान आपसे पूछा गया है, ये कुछ नहीं, बस अब आप यहाँ से 6a की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। देखिए ये 12a है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो कितना 6a माइनस का 12a प्लस का कितना हो जाएगा 6a, और ये 90 इधर प्लस का, इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये आपका 86। तो 6a की वैल्यू आपकी निकली यहाँ से 86। जब आपके 6a की वैल्यू 86 निकल आई, तब 6a की वैल्यू इस वाले में रख दें तो p की वैल्यू आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको केवल p की वैल्यू पूछी गई है, ना कि 6a की। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जब आप 6a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में फिट करेंगे तो कितना है 90 माइनस 6a की वैल्यू कितनी है आपकी 86 डिग्री इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी 4 डिग्री, पी की वैल्यू आपकी निकली यहाँ से 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 17 नंबर, और आपके दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, स्पीड में करते हैं आज इसको फिनिश करना है। द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी इज 90 डिग्री, मोर देन थ्राइस ऑफ हाफ ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी, व्हाट इज सम इन रेडियन ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री एंड हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल में ये आपका, पता है प्री में नहीं आके सीधे सीजीएल के मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। हाँ सीजीएल के मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। कोण पी का सम पूरक का आधा उसके पूरक के 3 गुने के आधे से 90 डिग्री अधिक है ना। कोण पी के संपूरक का 2 गुना तथा पूरक का आधा का योग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। हाँ ये अगर आ जाए ना प्री में तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी करने में, तब इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन आपके प्री में ना आके सीधा टपके का कहाँ पे मेंस में, ठीक है। एक कोई कोण है कोण पी, ठीक है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना है बेटा और सप्लीमेंट्री निकालना है। अगर आप किस इस कोण का किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो बेटा उसको क्या 90 से माइनस करते हैं, करेक्ट, और किसी भी कोण का अगर सप्लीमेंट्री आप निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे 180 से, वो कोण कौन सा है पी, 180 से आप लेस देन करेंगे। इसके बाद आप एक लैंग्वेज पढ़िए, मतलब सीक्वेंस लैंग्वेज पढ़िए और आराम से क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा भी क्वेश्चन है। देखिए कोण पी का सम पूरक का आधा, हाँ मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, हाफ आधा, कोण पी के सम पूरक का आधा, सम पूरक मतलब देखिए कोण पी के सम पूरक का आधा, कोण पी के सम पूरक का आधा, कोण पी के सम पूरक का आधा, सम पूरक क्या मतलब ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, अभी सम पूरक का आधा उसके कोटि पूरक के 3 गुने से, उसके कोटि पूरक के
तीन गुने के थ्राइस ऑफ था, देखिए क्या लिखा है, मेजर ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, थ्राइस ऑफ हाफ ऑफ एंगल, इसके बाद इससे कितना 90 डिग्री अधिक है, हाँ, कोण पी का सम पूरक का आधा उसके पूरक के तीन गुने के आधे से, सम पूरक का आधा उसके पूरक के तीन गुने के आधे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहीं पे, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ, थ्राइस ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, तभी मैंने कहा ये प्री में ना के मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, हाँ, आधे से पूरक के तीन गुने के, पूरक के तीन गुने के आधे से 90 डिग्री 19 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, ये अगर लैंग्वेज आपने पढ़ ली तो अब बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, किसी सप्लीमेंट्री की वैल्यू आपने क्या लिखी 180 माइनस पी, तो एस की जगह पे क्या लिखेंगे आप 180 माइनस पी अपॉन हाफ, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस पी, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं इसको 90 माइनस पी, ठीक है, इसके तीन गुने के आधे से प्लस 19 अधिक है। अब देखिए इक्वेशन बन गई, बहुत ही अच्छी इक्वेशन बन गई, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, एक तो बात होती है आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए बच्चों की तरीके से, और आपको भी पता है उससे आपका जीवन बर्बाद है, मतलब क्या टाइम ज़्यादा लगेगा, देखिए अगर इसी इक्वेशन में दोनों साइड में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो देखिए आपसे अच्छी से इक्वेशन बन जाएगी, जबकि इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा फाइनली यहाँ पे 180 माइनस पी इज इक्वल टू, ये आपका एक ही रूप में है ना, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस पी इंटू 3, और ये देखिए 2 यहाँ पे आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 90 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 38 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आप 180 माइनस पी इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3p प्लस 38 प्लस 38, यहाँ से देखिए p की वैल्यू, आप p की टर्म को एक तरफ लाइए और बाकी उधर ले जाइए, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 2p, 2p इज इक्वल टू 270 प्लस 38 माइनस 180 माइनस 80, ये लाइन जो बेटा है ना इसकी बिल्कुल जड़ है, ठीक है, ये लाइन अगर आप समझ गए अच्छे से, इस लाइन को अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जब आप बेटा इसको सॉल्व करिए, ठीक है, देखो 270 प्लस 38 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। अब आप बेटा यहाँ से पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, जब आप पी की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 64 डिग्री, पी की वैल्यू आपकी आ गई 64 डिग्री। अभी आपका ये आधा अधूरा है क्वेश्चन, हाँ, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए आगे लैंग्वेज और क्या लिखी है, कोण पी के सम पूरक का 2 गुना, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखते हैं कोण पी के सम पूरक का 2 गुना, सम पूरक का मतलब 180 माइनस पी सम पूरक का 2 गुना, हाँ, सम पूरक का 2 गुना तथा पूरक का आधा प्लस पूरक मतलब सी, हाँ, 90 माइनस पी पूरक का आधा, करेक्ट, लैंग्वेज समझना अच्छे से, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट एंगल हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल पी, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए क्या आ जाएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 पी की जगह पे आप कितना रखेंगे 64, पी की जगह पे आप जब 64 रखें तो कितना आ जाएगा, पी की जगह पे आप जब 64 रखेंगे तो फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा 232 प्लस
अब जब 90 और 90 से जब आप 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 जब आप 64 माइनस करेंगे उसके बाद जब 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 26, और 26 का हाफ हो जाएगा कितना 13 डिग्री। अब बेटा जब आप इसको फाइनल ऐड करेंगे, जब आप इसको फाइनल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 245। अब बेटा लेकिन ये आपका क्या निकला, डिग्री के फॉर्म में निकला। अभी ये क्या निकला है 245 डिग्री के फॉर्म में। आपको पाई के फॉर्म में आंसर देना है, आपको पाई के फॉर्म में आंसर देना है। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको एक डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। तो 245 डिग्री बराबर, एक डिग्री बराबर कितना होता है, देखो एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता था, ठीक करेक्ट। इसके बाद डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, बिल्कुल सीख भी लिया। तो 245 को डिग्री के फॉर्म में, 245 को रेडियन के फॉर्म में, 245 जो आपका डिग्री है इसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 245 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री। जब बेटा आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 पाई अपॉन 36। जब बेटा आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 49 पाई अपॉन 30। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर से लैंग्वेज समझ लेते हैं क्या लिखा है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दम है क्वेश्चन में, तभी मैं कह रहा हूँ ये प्री में आके सीधा आपके मेंस में टपक पड़ेगा। कोण पी, हाँ कोई वो एंगल है आपका पी, कोण पी के समपूरक का आधा, समपूरक का आधा उसके पूरक के तीन गुने से, उसके पूरक के तीन गुने से, पूरक के तीन गुने के आधे से 19 डिग्री अधिक है। पूरक के तीन गुने से, पूरक के तीन गुने से के आधे से 19 डिग्री अधिक है। तब आपने यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट लैंग्वेज आपकी यह लिखी थी कोण पी के समपूरक का दो गुना, कोण पी के समपूरक का दो गुना, हाँ दो गुना, तथा, तथा का मतलब क्या होगा, प्लस लगेगा। हाँ, पूरक का आधा, पूरक का कॉम्प्लीमेंट्री का आधा, हाँ का योग बताना है किसमें, रेडियन के फॉर्म में। तब आपने डिग्री के फॉर्म में अभी आंसर निकाला था, आप सर आपका मैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में देना है आपको, पाई के फॉर्म में एग्जाम में कह रहा है आपके पाई के फॉर्म में आप आंसर दीजिए, ठीक है। तब आपको इसमें क्या किया, यहाँ पे पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो 49 पाई अपॉन 36 आंसर आपका आ गया। 5 से जब डिवाइड करेंगे तब आपका ये आएगा। 18 नंबर पर फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पे बेटा 18 नंबर पे। पढ़िए ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है ये, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यदि कोई त्रियक रेखा, यदि कोई त्रियक रेखा 4 सीधी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी। बेटा इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मानों की संख्या आपकी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। याद कीजिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे आपके 2 प्रकार के कोण बनते हैं, पर इनके टाइप कितने हो जाते हैं बेटा, 8 टाइप इसके कितने हो जाते हैं, 8। यदि कोई त्रियक रेखा 4 सीधी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि एक त्रियक रेखा 4 1 2 3 4 समांतर रेखाओं को, 4 लैंग्वेज समझिए पहले करिए, 4 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है एक पांचवी रेखा, तब आपसे पूछा गया है, तब बने कोणों के अलग अलग, लैंग्वेज देखिए बेटा बहुत रोल है लैंग्वेज का, लैंग्वेज अगर आप सही नहीं कर पाए तो आप आंसर गलत टिक करके आ जाएंगे। अलग अलग मानों की संख्या बताइए, तब बताइए, देखिए यहाँ पे अच्छा कोण कितने बनेंगे, आप देखिए 4 आपके ऊपर बन जाएंगे,
कोण कितने बनेंगे, चार आपके ऊपर, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, तो टोटल जब आप इसको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 16। जब आप टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, पर बेटा आपने 16 अगर टिक कर दिया तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा है, कोणों के अलग अलग मान बेटा बताइए, ये कब सही था, ये कब सही था, जब यहाँ पे लैंग्वेज लिखी होती कि बने सभी कोणों का मान बताइए, कितने कोण आपके बने हैं उनका बताइए, तब आपका 16 हो जाता। पर वहां पे आपको क्या लैंग्वेज लिखी गई है, अलग अलग मानों की संख्या बताइए, तो कोण आपके तो बेटा दो ही बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। जैसे कि मान लो ये अगर आपका थीटा है तो इसके सामने भी आपका थीटा होगा, तब इस कंडीशन में ये 90 माइनस थीटा होता था, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हर जगह पे आपके दो ही एंगल निकलेंगे, तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो ही एंगल आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कंक्लूजन था जो कि बहुत ही भाषा पर आधारित प्रश्न था, अपने आप में थोड़ी सी दम थी इसमें। अगर आपने क्लू वर्ड नहीं ढूंढ पाए तो फिर आप गलत करके आ सकते थे, हालांकि ऐसे ही जनरली कोई बच्चा करेगा तो 16 ही आंसर टिक करेगा, जो कि वो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा 19 नंबर क्वेश्चन पर फाइनली हम पहुंचे। देखिए 19 नंबर आपको क्या दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एंगल ये आपका फिगर है गिवन है, टॉप फिगर गिवन फिगर, ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब कि क्या कह रहे हैं, सी की जगह पे आपको वैल्यू दे गई है ना, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, हाँ इन पूरे 8 एंगलों की सब निकाल के आपको मुझे बताना है, मुझे नहीं इसको आंसर में बताना है क्या होगा, बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका चतुर्भुज बन रहा है, हाँ ये आपका क्या है बेटा ट्रायंगल भी है, तब बताइए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तब बताइए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं बेटा, बस जितना आपने पढ़ा केवल उसी का यूज करिए और मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले आप देखिए इस वाले एंगल पे आइए, और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, हाँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। इसके बाद सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, ये एंगल ए 1 प्लस एंगल 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस वाले एंगल की हो जाएगी वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपके सब एंगल लगा लेना आप, ठीक है, एंगल को ही वो संबोधित कर रहा है फाइनली, क्योंकि एंगल की वैल्यू है। तो ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इस वाले बार वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी एंगल 1 प्लस एंगल 2, करेक्ट, समझ पाए, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली इस वाले एंगल पे आप जब आइए, ठीक है, तो ये बार वाले एंगल के बराबर हो जाए, कितना हो जाएगा ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर सिमिलरली ये भी आप करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी एंगल 7 प्लस एंगल 8। सिमिलरली इसी प्रकार इसमें आप जब आएंगे तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी एंगल 5 प्लस एंगल 6। इसके बाद आप देखिए एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री का, उस 180 डिग्री में एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल ए एंगल 1 प्लस एंगल 2, माइनस पहले लगा है मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा। एज अ सिमिलरली ठीक इसी प्रकार हम सभी की वैल्यू आपको यहीं पे लिख के बता दे रहे हैं, जिस प्रकार आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा 180 होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का जो बेटा योग होता है कोणों का, वो होता है 360 डिग्री, करेक्ट। तो देखिए इस एंगल की वैल्यू क्या निकलेगी, इस एंगल की वैल्यू निकलेगी 180
माइनस एंगल वन प्लस माइनस एंगल वन माइनस एंगल टू करेक्ट प्लस एज ए सिमिलरली ये भी आपका निकल आएगा कितना, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल थ्री माइनस एंगल फोर, ठीक है, प्लस 180 माइनस एंगल थ्री माइनस एंगल फोर। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है 180, उस 180 में से एंगल 7 प्लस एंगल 8 पहले ही निकल चुका है तो ये इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 180 प्लस 180 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8, करेक्ट। सिमिलरली एक सीधी रेखा पे कोण कितना बनता है 180 का, उस 180 में से पहले ही निकल चुका है एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो 180 से माइनस करेंगे ना इसमें, तो अब जगह बच नहीं रही है, प्लस नीचे लिख लेते हैं, प्लस प्लस 180 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखिए जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है बेटा, एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 4 5 6 7 जो है सारी माइनस में वैल्यू है तो इनको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए क्या हो जाएंगी, प्लस की वैल्यू, करेक्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू देखिए 180 वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम, थ्री टाइम और फोर टाइम इधर है, ठीक है, और 180 ये और 180 ये, दो बार इसको काउंट करो और ये कट कर देगा किसको, 360 को राइट हैंड साइड पे इधर, तो बचा क्या आपका 180 और 180 इधर, ठीक है। 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक की वैल्यू क्या हो गई, 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करेंगे तो बेटा आप बेसिक से अगर करेंगे तो 15 से 20 मिनट का आपका आंसर ये समय ले जाएगा, ठीक है। अगर और भी एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो 10 मिनट का टाइम तो ले ही जाएगा, ये 10 मिनट का टाइम आपका ले जाएगा, क्योंकि देखिए आपको फिर पहले देखिए इधर से आना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालिए फिर इसकी वैल्यू निकालिए ऐसे करके इधर से, फिर आपको उल्टा जाना पड़ेगा, फिर आके यहाँ पे आपको फाइनली इस एंगल की वैल्यू जब आपसे पूछे, ठीक है, ऐसा फिगर दिख जाए तब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है आपको रेशियो कितने दिए गए हैं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू ए जी, ठीक है, जितने भी आपको रेशियो दिए गए हैं और एंगल की किसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड एंगल डी ए ई, फाइंड एंगल डी ए ई, जब इसी एंगल की वैल्यू पूछेगा आपको से, ठीक है, इसी एंगल की वैल्यू पूछेगा तब आपको कुछ नहीं करना, जितने आपको रेशियो दिए गए हैं 180 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, मैंने क्या कहा जितने भी आपको रेशियो दिए गए हैं 180 से आप डिवाइड करिए और आपका आंसर आसान वे में आ जाएगा। तो रेशियो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो 180 मैंने क्या कहा जितने भी आपके ये साइड के रेशियो दिए गए हैं उसको आपको कुछ नहीं करना, 180 में डिवाइड करना, कितने हैं आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7, जब आप 180 में 7 से आप जब डिवाइड करेंगे तब आपका कितना आएगा, 2 5 5 और 7, 25 सही 5/7, 25 सही 5/7 डिग्री के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है बेटा। पॉइंट लाइंस एंड एंगल की जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा ट्रायंगल, ठीक है। चार क्लासों में फाइनली हमने पॉइंट लाइंस एंड एंगल को अच्छे से विधिवत तरीके सारे कॉन्सेप्ट समझे, समझने के बाद हमने एक्सरसाइज ली और एक्सरसाइज में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे सबका यूटिलाइज किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को फाइनली कर पाए।
ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको रह गया हो तो क्लास को फिर से रिपीट करके आप देख लेना, ठीक है। बाकी बेटा आपसे एक और हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन करने का मज़ा कब आता है, जब आपके साथ साथ आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड शेयरिंग लिस्ट में हो, वो भी आपके लेवल में पढ़ें, मज़ा तो तब आता है ना, तब आता है मज़ा देने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रायंगल की फिर से बता दें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बेटा ट्रायंगल की स्टार्टिंग करेंगे। हाँ बता देते हैं, ट्रायंगल ये ज्योमेट्री के पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने वन पोर्शन आपका